शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का कुछ इस तरह सम्मान करते हैं, शायद और बड़ी हो जाए इस उम्मीद से कुछ और बोतलों की बरसात करते हैं। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, और एक कोट देखते हैं। तुम क्रिस्टल वर्ल्ड का स्विमिंग पूल, मैं गांव के तालाब का स्विमर प्रिय। तुम प्यार मोहब्बत से भरा हुआ दिल, मैं दारू से खराब हुआ लीवर प्रिय। तो मेरे ख्याल से अब आपकी बात समझ में आ गई होंगी। आज हम लीवर पे बात करने वाले, लीवर पे एक टेस्टिमोनी भी देखने वाले, और लीवर की कुछ बातें, कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका अगर वजन किया जाए तो अप्रॉक्स 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आता है, 1.5 किलो के बीच आता है, और थोड़ा सा पेट के ऊपर में लीवर स्थित होता है। लीवर के अंदर में हम जो कुछ भी खाते हैं वो लीवर के थ्रू ही हमारे शरीर के अंदर में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम भी लीवर करता है। तो लीवर बहुत बड़ा अंग है हमारे शरीर का, और हम इसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे हार्ट के तरफ, हमारे दिल के तरफ, हमारे आँखों के तरफ, हमारे नाक के तरफ, हमारे कान के तरफ, हमारे चेहरे के तरफ हम जरूर ध्यान देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिसको लीवर कहा जाता है, खाना पचाने में भी जो मदद करता है, उसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। दुनिया भर में लीवर के कारण होने वाली मौतों में भारत का योगदान 20% का है। दुनिया भर में जितनी भी मौतें रोज होती है, उसके अंदर अगर जो भी लीवर से मौतें होती है, उसके अंदर 20% योगदान सिर्फ भारत का है। हमारे देश में 1/4 वयस्क लोग अधिक वजन और मोटापे से ग्रसित है, जिसके कारण उनको फैटी लीवर डिजीज का खतरा है। आपने देखा होगा, एक फैटी लीवर का नाम आपने सुना होगा, नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक, ज़्यादातर आपने अल्कोहलिक फैटी लीवर का नाम सुना होगा। तो वैसे जने सिर्फ दारू पीने वाले का ही लीवर फैटी नहीं होता, जो दारू नहीं पीते उनका भी लीवर फैटी होता है, क्योंकि खान पान जो आजकल का हमारा जो खान पान है, उसके कारण फैटी लीवर में तब्दील हो जाता है। और फैटी लीवर में शराब भी सबसे मुख्य भूमिका अदा करती है। एक अध्ययन में यह देखा गया है, नॉर्मल लोगों का लीवर, जिसको हम यकृत कहें, नॉर्मल लोगों का जो लीवर होता है या यकृत का परीक्षण किया गया, तो वहाँ भी लीवर में क्षति पाई गई। नॉर्मल इंसान, जो इंसान को लगता है मुझे लीवर की समस्या नहीं है, उनका एक अध्ययन किया गया, एक टेस्ट किया गया, एक सर्वे किया गया, तो भी तो उनके लीवर के अंदर में उनका जो यकृत है उसमें कुछ मात्रा में क्षति पाई गई। अब देखते हैं, चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए, अगर आप आज जाते डॉक्टर के पास में और एक लीवर का एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट करते, तो क्या होता है वो हम देखते। तो रिस्क असेसमेंट लीवर का अगर हम करते, ये हमारा लीवर है, ठीक है, इसका हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट करते, तो इसका लगभग खर्चा आता है 100 रुपये। अगर हमको लग रहा है हमारा लीवर खराब हो चुका है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लीवर रिस्क असिस्टेंट का खर्चा आता है 100 रुपये। अगर ये लीवर असिस्टेंट रिस्क असिस्टेंट के अंदर में कुछ डायग्नोसिस हो गया, अर्ली डायग्नोसिस कुछ हो गया, तो इसके पीछे क्या खर्चा आता है, इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते, इसको बोलते इलास्टोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड करते, इसका लगभग खर्चा मोटा मोटा 2000 रुपये होता है। अगर आपके लीवर में कुछ मिला रिस्क असेसमेंट में, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड करते, इसका खर्चा लगभग 2000 रुपये आता है। अब अल्ट्रासाउंड करने के बाद में इसके अंदर में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा, यानी क्रोनिक लीवर डिजीज दिखा। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और इसके अंदर में क्रोनिक लीवर डिजीज दिखा, ठीक है, इसके लिए यानी इसके अंदर में हम बात करें पीलिया हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज यानी आपको अगर पीलिया हो गया, डॉक्टर ने बोला आपको पीलिया हो गया यानी फैटी लीवर में तब्दील हो चुका है, तो अप्रॉक्स 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप दारू पीते तो आपको अल्कोहल
स्टॉप करना पड़ेगा। दारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा वजन के कारण भी अगर आपका फैटी लीवर तब्दील हो चुका है तो आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा, और इसके इलाज के लिए लगभग 10,000 रुपये खर्चा आता है। इसको मैं बात करूँ फैटी लीवर, ठीक है, एक डॉक्टर के पास आप गए, आपने सब चीज़ों को फॉलो किया तो यहाँ तक तो ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस हो गया, तो आपने अर्ली डायग्नोसिस हो गया, आपने अर्ली चेकअप कर ले, लीवर का ध्यान रखे, तो ये 10,000 रुपये तक का खर्चे से आपका लीवर अच्छा हो सकता है, जैसा पहले की कंडीशन में था वैसा आ सकता है। लेकिन इसके बाद में अगर एक वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, यहाँ भी आपने ध्यान नहीं दिए, बाद में वायरल इन्फेक्शन आपके लीवर में हो गया, वायरल इन्फेक्शन, इसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, इसको कहा जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी नामक एक बीमारी अगर आपके लीवर में हो गई तो इसको लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आपका यहाँ तक ध्यान नहीं आया, क्रोनिक लीवर तक आपका हो गया, फैटी लीवर तक हो गया, वहाँ भी आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आपको हेपेटाइटिस हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है आपका लीवर खराब हो चुका है, हेपेटाइटिस में तब्दील हो चुका है, तब लगभग आपको इलाज के लिए 10,000 रुपये खर्चा आएगा। इसके बाद अगर लीवर हेपेटाइटिस होने के बाद भी आपने ध्यान नहीं दिए, स्टेजेस है सर, ये स्टेजेस है, पहले आप रिस्क असेसमेंट करोगे, रिस्क असेसमेंट के बाद आपको अर्ली डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड के बाद अगर क्रोनिक मिलता है तो इसके ऊपर ये इलाज होता है और हेपेटाइटिस होता है। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं होते, हम इलाज ही नहीं करते, हम रिस्क असेसमेंट नहीं करते, तो हेपेटाइटिस तक जा सकता है, और हेपेटाइटिस होने के बाद भी अगर हमने इलाज नहीं किए तो ये कैंसर लीवर प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है। ये काय में हो जाता है, कैंसर, हमारा लीवर का कैंसर हो सकता है, लीवर के बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर में ये तब्दील हो सकता है, लीवर फेल भी हो सकता है, इस कंडीशन में लीवर फेल भी हो सकता है, ठीक है, लीवर सिरोसिस जिसको बोले, लीवर सिरोसिस की कंडीशन भी यहाँ आ सकती है, लीवर सिरोसिस, सिरोसिस किसी को हो गया तो उसकी जान बचना लगभग असंभव है, कोई भी दवा से उसकी जान बचना लगभग असंभव है। इस कंडीशन में यहाँ जो खर्चा आता है वो आता है लगभग 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये यहाँ कंडीशन में खर्चा आता है। चलो ठीक है, लीवर सिरोसिस भी हो गया, लीवर में कैंसर भी हो गया, लीवर आपके फेल कंडीशन में पहुँच चुका है, उसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिए तो एक ही ऑप्शन बचता है इस कंडीशन के बाद में आपको, लीवर ट्रांसप्लांट का, लीवर बदलना पड़ता है, लीवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बचता है, जिसके लिए लगभग 20,00,000 से लेके 40,00,000 रुपये तक खर्चा आता है। लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर पहले मैच होना चाहिए आपके साथ में, तो ही ट्रांसप्लांट होगा, और ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका अप्रॉक्स खर्चा आता है 20,00,000 से 40,00,000 रुपये। तो इसीलिए लीवर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो हम मौत के मुंह में जा सकते। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस, आपको रिस्क असेसमेंट करना चाहिए आपके लीवर का, जो 100 से मैं मोटा मोटा 100 पकड़ाऊँ, मोटा मोटा पकड़ लो आप 1,000 रुपये में हो जाएगा, और उसके बाद में कुछ होता है तो 10-20-50-30,000 रुपये में आप निपट सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब होगी लीवर की तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं फैटी लीवर की मुख्य समस्या क्या है, फैटी लीवर क्यों होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इस समस्या में वह लोग ग्रसित होते हैं जो बहुत कम या बिल्कुल भी शराब नहीं पीते। ऐसे लोग जो बहुत कम मात्रा में शराब या बिल्कुल भी शराब नहीं पीते, जिसको NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है, कि मुख्य विशेषता बहुत ज़्यादा फैट लीवर मिक्सेल्स में जमा होना। फैटी लीवर यानी क्या, फैटी लीवर के अंदर में, लीवर के अंदर में बहुत ज़्यादा फैट जमा होना, जो फैट कटना चाहिए, कट के बाहर निकलना चाहिए, वो फैट हमारे शरीर में, हमारे लीवर में जमा होता है। NAFLD यानी फैटी लीवर एज ए कॉमन समस्या है जो दुनिया भर में बढ़ रही है। US में क्रोनिक लीवर डिजीज से 1/4 आबादी प्रभावित है। क्रोनिक डिजीज यानी ये वाली, ये क्रोनिक लीवर डिजीज जिसका इलाज करने से ठीक हो सकता है, लेकिन ये US में 1/4 आबादी में पाई जाती है। अब आपको फैटी लीवर है, इसके सिम्टम्स क्या है, आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है,
दिन भर में बहुत ज्यादा बहुत थोड़ा सा ही काम करने पे आपको थकान हो जाती है। पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द या बेचैनी, आपका जो दाहिना भाग है उसमें दर्द या बेचैनी हो रही है। भूख में आपके कमी आई हुई है। जी मचलना और उल्टी होना, वजन घटना बिना कारण से, ये आखिरी के जो तीन पॉइंट है ये अल्कोहलिक फैटी लीवर के सिम्टम्स है, और ऊपर के जो दो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के सिम्टम्स है। अल्कोहल फैटी लीवर को हेपेटिक स्टिटोसिस कहते हैं। यह तब होता है जब लीवर में फैट जमा होना शुरू होता है। बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन लीवर में वसा के टूटने को रोक सकता है, जिससे वसा का संचय होता है, यानी फैट का संचय होता है और लीवर फैटी लीवर में तब्दील होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर यह कॉमन समस्या है हेवी ड्रिंकर में। 90% लोगों में जो ड्रिंकर है, हेवी ड्रिंकर है, उनका लीवर फैटी पाया जाता है। आप समझिए, इस देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में लोग एक पैग नहीं लेते या दो पैक पे सीमित नहीं रहते, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते। तो 90% लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते उनका जो लीवर है वो अल्कोहलिक फैटी लीवर में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है, और आने वाले दिनों में उनको काफ़ी बड़ी समस्या होने वाली है। और ये समस्या कोई एक दिन में नहीं होती है, लीवर सिरोसिस हो गया या लीवर ट्रांसप्लांट की कंडीशन 10 से 30 साल में हो जाती है आपके लीवर की, अगर आप कंटिन्यू अल्कोहल ले रहे हो। और यहां तक अगर आपका आ चुका है, क्रोनिक लीवर डिजीज तक आ चुका है, हेपेटाइटिस बी तक भी आ चुका है, तो भी आपका लीवर वापस आ सकता है, वापस अच्छी कंडीशन में आ सकता है। तो अब देखते हैं, टेस्टोमनी छोटी सी है, पहले प्ले करूंगा और फिर ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। So what happened with me is that I had the spot on my liver and I started to take the Hemohem and the milk thistle, because the milk thistle is geared especially for the liver. If you take a look at it, it actually almost looked like the shape of a liver. So both those products I've taken religiously. तो ये महिला क्या कहती है, क्या हुआ, मेरे लीवर पे एक स्पॉट आया। लीवर पे स्पॉट आने क्या होता है, लीवर बड़ा हो जाता है। आपके लीवर पे अगर कोई डॉक्टर बोलता है आपको स्पॉट आया, तो जो नॉर्मल साइज है उससे उस साइज से लीवर बड़ा हो जाता है, या लीवर पर फैट जमा हो जाता है, ऐसे में पानी भी हजम नहीं होता। जिनके लीवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है उनको पानी भी हजम नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक लीवर, जिनको फैटी लीवर होता है, एक कंडीशन ऐसे आती है जब वो पानी पीते तो भी उल्टी कर देते, उनको पानी भी हजम नहीं होता। ये कंडीशन आपने आजू बाजू में देखी होंगी, क्योंकि आज हर घर में लोग एक मॉडर्नाइजेशन के अंदर में दारू पीना एक कॉमन समझा जाता है। अगर हमारा लीवर सही से कार्य नहीं करता तो मुंह से बदबू भी आती है, क्योंकि मुंह में अमोनिया का ज्यादा रिसाव होता है। जिनका लीवर काम नहीं करता प्रॉपर, उनके मुंह से बदबू भी आती है। तो ये महिला कहती है, मैंने हिमोइम और मिल्क थिसल लेना चालू किया क्योंकि मेरे लीवर पे स्पॉट था, और मिल्क थिसल इसीलिए क्योंकि यह स्पेशली लीवर के लिए बना हुआ है। आप इस गोली को देखोगे तो लीवर शेप की यह टैबलेट है, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद टैबलेट। तो इसका जो शेप होता है वो लीवर शेप की है, और यह प्रसाद समझकर, यानी हिमोहिम और मिल्क थिसल, ये मैं प्रसाद समझकर रोज ग्रहण कर रही थी, दोनों प्रोडक्टों को रोज ग्रहण कर रही थी। जैसा आप जानते हैं, नॉर्मल पीपल जिसको कोई भी समस्या नहीं है, उसने पर डे 2 हिमोहिम रिकमेंडेड डोज है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कितने हिमोहिम लेना चाहिए, तो जिनको कोई भी समस्या नहीं है, किसी भी तरह की उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी रोग से ग्रसित नहीं है, तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पर डे 2 हिमोहिम उनको लेना चाहिए। लेकिन मेरे लीवर पे स्पॉट था, इसीलिए मैं सुबह 2 और शाम को 2 हिमोहिम लेती थी, और 2 मिल्क थिसल भी लेती थी। सुबह 1 और रात को 1, खाना खाने के बाद मिल्क थिसल लेती थी, और सुबह 2 पाउच हिमोइम के खाली पेट, और रात को 2 पाउच खाली पेट हिमोइम की ये लेती थी, क्योंकि इनके लीवर पे स्पॉट था। जून 2019, डेट पे गौर कीजिएगा, जून 2019 को मेरे लीवर पे स्पॉट आया था। उसके बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं किया जैन 2020 तक।
जून 2019 में इनके लीवर पे स्पॉट आया, तो इन्होंने डॉक्टर की दवा के साथ में हीमोहीम चालू किया और मिल्क थिसल चालू किया डॉक्टर की दवा के साथ में। और जून 2019 के बाद इन्होंने जैन 2020 तक फिर से अल्ट्रासाउंड नहीं किया था। ये कहती है जवान जनवरी 2020 को, जनवरी 2020 को जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तब लीवर के ऊपर का जो स्पॉट था वो पूरी तरह से चला गया था, पूरी तरह से गायब हो गया था, वहाँ कोई भी स्पॉट नहीं था और मेरा लीवर पूरी तरह से नया हो गया था, यानी ब्रांड न्यू लीवर। जैसे हम ब्रांड न्यू कपड़े लाते हैं मार्केट से, वैसा मेरा लीवर ब्रांड न्यू में तब्दील हो गया था। मैं सिर्फ यही दो प्रोडक्ट्स यानी हीमोइम एंड मिल्क थिसल जैन 2020 तक ले रही थी, जून 2019 से लेके जैन 2020 तक, यानी लगभग 8 मंथ। एक सवाल आप और पूछते हैं कितने महीने लेना पड़ेगा। आप देखिए इस महिला ने मिल्क थिसल और हीमोइम, पर डे 4 हीमोइम पर डे 2 मिल्क थिसल, लगभग 8 महीने लिए जैन 2020 तक, जून 2019 से लेकर जैन 2020 तक ली। उसके बाद उनका लीवर वो कहती है ब्रांड न्यू हो गया। उसके बाद मैंने ओमेगा 3 विटामिन सी प्रोबायोटिक स्पिरुलिना आई ल्यूटिन भी लेना चालू किया, इनको कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए बाकी भी जो प्रोडक्ट्स थे एटोमी के उनको भी इन्होंने ग्रहण करना चालू किया। आप नहीं जानते आपके लीवर के साथ क्या समस्या है। ये जो समस्या मैंने बताई ये कोई नहीं जानता आपके लीवर के साथ क्या समस्या है, यही ये महिला कहती है। जब तक 70-80% तक लीवर डैमेज नहीं होता तब तक आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ और भगवान का धन्यवाद अदा करती हूँ, मुझे जो पेन हो रहा था उसको मैं फैंटम पेन कहती हूँ। इनको लीवर के अंदर स्पॉट आने के कारण जो पेन हो रहा था इसको फैंटम पेन कहते हैं, बहुत अधिक पेन जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और यही पेन मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने मुझसे कहा आपके लीवर पे एक स्पॉट है और उसके लिए आपको कैंसर डॉक्टर का फॉलोअप लेना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। ये कहती है मैं डॉक्टर से मिली, मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। मैंने एटोमी ज्वाइन किया था तब मैं सिर्फ स्किन केयर, जो भी स्किन केयर के उत्पाद थे वही मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन जब लीवर पे स्पॉट आया तब हीमोहीम और मिल्क थिसल लेना चालू किया। तब तक इन्होंने जो भी हेल्थ प्रोडक्ट थे वो नहीं लिए थे, पहले स्किन प्रोडक्ट ही यूज़ करती थी जब, लेकिन इनके लीवर पे जब स्पॉट आया तब इन्होंने हीमोहीम और मिल्क थिसल को लेना चालू किया। तो यह थी एक लीवर के ऊपर टेस्टोमोनी मिल्क थिसल की। कल हम देखेंगे एक डेमो मिल्क थिसल के ऊपर में, बियर के ऊपर में एक डेमो है मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसको इस डेमो को 2 दिन लगेंगे। आज मैं एक पार्ट करूँगा, कल सेकंड पार्ट करूँगा और कल वो वीडियो को मैं पब्लिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपका ये सवाल है आपको हीमोइम कितने पाउच लेना पड़ेगा, मिल्क थिसल कितने लेना पड़ेगा, कितना दिन लेना पड़ेगा, अदर प्रोडक्ट की भी कोई आपको जानकारी चाहिए कि, तो उसके लिए मुझे कॉल कीजिएगा। और मैं एक पेंडुलम डाउजर हूँ तो इसीलिए आपको गाइड कर सकता हूँ कि पर डे आपको कितने हीमोहीम लेना चाहिए, सुबह शाम दोपहर में कितने हीमोइम आपको पर डे लेना चाहिए, पेंडुलम डाउजिंग से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसी के लिए आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। एक नॉमिनल फ़ी होती है, जैसे डॉक्टर की फ़ी होती है वैसे पेंडुलम डाउजर की एक नॉमिनल फ़ी होती है, वो फ़ी मुझे आप पे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने पाउच पर डे हीमोइम के लेने होंगे, कितने दिन में आपको कितना परसेंट आराम मिलेगा, यह भी मैं आपको बता दूंगा। और डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि लीवर की समस्या हमारे देश में हर घर में होंगी, हर घर में होंगी, इसीलिए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चालू कीजिए ताकि आपका लीवर भी न्यू ब्रांड में तब्दील हो जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ मुझे कॉल कीजिए ताकि आप मेरे से सवाल जवाब कर सकें, आपको मैं सही चीज़ गाइड कर सकूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।